लोकसभा में आज सांसद ई अहमद की मौत के मामले पर जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस मामले पर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने ई अहमद की मौत की जांच की मांग को लेकर गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। इन नेताओं की मांग है कि ई अहमद की मौत की जांच होनी चाहिए, कि आखिर अहमद की मौत किस वक्त हुई और परिजनों को मिलने क्यों नहीं दिया गया। साथ ही परिवार को परेशानी हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लोकसभा में भी सांसद केसी वेणुगोपाल और प्रेमा चंद्रन ने ई अहमद की मौत की जांच को लेकर काम रोको प्रस्ताव भी दिया है। सांसद प्रेमा चंद्र ने ई अहमद की मौत के मामले में अस्पताल प्रशासन पर अनादर और मौत की सूचना देने में देरी का आरोप लगाया है। केरल से लोकसभा सांसद ई अहमद की मौत पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मौत की उच्च स्तरीय जांच कराने की अपील की थी। विपक्षी दलों ने भी अहमद की मौत के बाद बजट टालने की भी मांग की थी, लेकिन बजट अपनी तय योजना के मुताबिक 1 फरवरी को ही पेश किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बजट न डले, इसके लिए सरकार ने ई अहमद की मौत की खबर छुपाई। शुक्रवार को कांग्रेस सांसदों ने ई अहमद की मौत और टीएमसी ने अपने सांसदों की गिरफ्तारी का मामला उठाया था, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही बाधित होती रही। हंगामा जारी रहने पर इसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन हंगामा आज भी जारी है। देखते रहिए डीबी लाइव।